माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है। मैं कह रहा हूँ नहीं, डबल इंजन की नहीं है, ये चार इंजनों की सरकार है, चौबल इंजन की सरकार है। चौबल इंजन की ऐसे है, एक मुख्यमंत्री जी मंत्री एक इंजन वो हो गया, एक आपका ब्यूरोक्रेसी का इंजन हो गया, एक आपका पूर्व मुख्यमंत्री का जो खेमा है उसका हो गया, एक RSS का हो गया। आपको तो चार इंजन बना दिए, चारों चार दिशा में खींच रहे हैं, इंजन बैठने वाला है, धू धू कर रहा है, और आप चारों दिशाओं में खींचे हुए हो, कोई काम आपका होने वाला नहीं है। इस सदन में बजट के माध्यम से गरीब की बात नहीं, दलित की बात नहीं, पिछड़ों की बात नहीं, महिला सशक्तिकरण की बात नहीं, रोजगार की बात नहीं, शिक्षा की बात नहीं, सुशासन की बात नहीं, कृषि पे डिमांड पे चर्चा नहीं होगी, शिक्षा पे नहीं होगी, गृह पे नहीं होगी, बिजली पे नहीं होगी, पानी पे नहीं होगी, क्या करोगे, मेजी थपथपाओगे क्या? सवाल ये है कि ये हमारे सबके लिए चिंता का विषय है कि क्यों नहीं हो रही है। इसका मायना ये हुआ कि जो पर्चियां आ रही हैं वो न मुख्यमंत्री की न मंत्रियों की पर्चियां सही नहीं आई हैं, और उसके बाद में इनको जो ऐसे मिले हैं वो भी 360 डिग्री परीक्षण के बाद में।